देखिए, सिविल का जब भी मामला आएगा तो मैंने कहा वो अधिकार कर्तव्यों का आएगा। पहले फर्क लगाना चाहिए कि सिविल और क्रिमिनल में क्या फर्क है। क्रिमिनल केस राज्य के खिलाफ होता है, राज्य में शांति बहाली रहे, राज्य के आदेशों का अवहेलना करते हो तो क्रिमिनल केस लगता है। सिविल इंडिविजुअल प्राइवेट केस रहता है, और प्राइवेट इंडिविजुअल केस रहता है तो वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी के अधिकारों का हनन किया है तो उसके खिलाफ न्यायालय में जाकर वाद निर्धारण किया जा सकता है। दूसरा ये भी कहता है कि अगर दोनों पार्टियों के बीच में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, दोनों को आभास होता है कि संपत्ति हमारी है, तो न्यायालय जाकर उसका निर्धारण करवा सकता है। कैसे चलेगा ये? और क्या-क्या सिविल के मामले में समस्याएं आएंगी? देखिए, सबसे पहला तो जिसको लगता है कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ, या जो इंजर्ड पार्टी है जिसके अधिकारों का हनन महसूस होता है, उसको वादी के प्रकार से वादी बनते हुए एक वाद लाना पड़ेगा। मीन्स दैट पर्सन वुड बी द प्लेंटिफ इन एनी मैटर। क्या करेगा व्यक्ति? द पर्सन वुड बी द प्लेंटिफ इन द मैटर। न्यायालय में जाकर उचित स्थान पर, जो उसका जुरिडिक्शन जहां पर लगता हो, जो न्यायालय के क्षेत्र अधिकारिता क्षेत्र के अंदर हो, वहां पर एक प्लेंट लानी पड़ेगी। प्लेंट लाने से पहले यह निर्धारित करना पड़ेगा कि न्यायालय का जुरिडिक्शन लगता है कि नहीं, कोर्ट का कितना जुरिडिक्शन लगता है और किस प्रकार से लगता है, लगता है, लगता भी है कि नहीं, है ना? ये समस्याएं आएंगी। इन समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले जो सीपीसी बनाकर रख रहे हैं वो जुरिडिक्शन मामला हल करेंगे। तीन प्रकार के जुरिडिक्शंस की बात आती है। एक क्षेत्र के आधार पर, दूसरा धन के आधार पर, और तीसरा स्पेशलाइजेशन के आधार पर, विशेषता के आधार पर। स्पेशलाइजेशन और सब्जेक्ट मैटर, विषय की विशेषता के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर तो डिस्ट्रिक्ट बांट रखा है, डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीजन कर रखे हैं। पिक्यूनरी के आधार पर बताया है, 20 लाख तक का यहां लगेगा, 20 लाख के ऊपर वहां लगेगा, 2 करोड़ का यहां लगेगा, 5 लाख का वहां लगेगा, वो बता दिया कौन से न्यायालय में जाएगा किस प्रकार के। और स्पेशलिटी को लेकर उन्होंने कहा ये सिविल का कोर्ट है, ये लेबर कोर्ट है, ये टैक्सेशन की कोर्ट है, ये रेवेन्यू की कोर्ट है, ये गुंडा एक्ट की कोर्ट है। क्या सबका अलग अलग ज्यूरिडिक्शन लगेगा? तो वो सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय के आधार पर वो ज्यूरिडिक्शन बनाया जाएगा। ठीक, वो हमारे सीपीसी में उसने डिफाइन करा कि किस प्रकार कैसा ज्यूरिडिक्शन लगेगा और कैसे निर्धारित होगा। अब हम पहुंच गए प्लेंट लेकर न्यायालय। तो प्लेंट हम लिखेंगे, बिना लिखे कैसे जाएंगे? प्लेंट की कंप्लाइंसेस क्या क्या होंगी? वो कहेगा वादी का अधिकार क्षेत्र है कि नहीं है, वादी की कॉम्पिटेंसी है कि नहीं है, उसकी लोकस टेंडी बनती है कि नहीं बनती है, विषय में कोई विवाद है या नहीं है। उसके साथ एफिडेविट लगेगा तो एफिडेविट के रूल क्या होंगे, उसकी कोर्ट फीस लगेगी तो कोर्ट फीस कितनी जमा करेगा, ये सब बातें उसका हिस्सा बनेंगे कि कैसे चलेगा। ये बातें अगर हमको पता नहीं होंगी, ये सब सीपीसी बताएगी। फिर प्लेंट लिखने का तरीका, ऐसे ही नहीं कोई भी चिट्ठी लिखी और डाल दी अपने प्रेमी को, नहीं। ये न्यायालय, यहां क्या है, यहां चिट्ठी लिखोगे तो न्यायालय का अपना तरीका है चिट्ठी लिखने का, न्यायालय की अपनी भाषा है, तो आपको लीगल लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। तो बताएगा कि पहले क्या लिखना, बाद में क्या लिखना, स्पेस क्या छोड़ना, उसके रूल्स हैं, कायदा 16, लाइट राइट लेफ्ट में ये छोड़ना, ऊपर ऐसे छोड़ना, नंबर ऐसे डालना, जज का नाम लिखना, कोर्ट का नाम लिखना, पार्टियों का नाम लिखना,
पार्टियों के नाम के साथ उनके पिता का नाम, उनका गांव, उनकी एज, उनका व्यवसाय, ये सब चीजें लिखेगा, ये कौन बताएगा? ये सीपीसी बताएगी कि किस प्रकार से प्लीडिंग की जाएगी, यानी कि रूल्स ऑफ प्लीडिंग सीपीसी में है। इसी प्रकार जब आपने दाखिल कर दिया तो सम्मन कैसे जाएगा? सामने वाले को बुलाओगे भी तो भाई सामने वाले को सम्मन जाएगा या नोटिस जाएगा? नोटिस कैसे जाएगा, सम्मन का तरीका क्या होगा, सम्मन की भाषा क्या होगी, सम्मन में क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा, कब लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, किसको सम्मन जाएगा, कौन सम्मन सर्व करेगा, सर्व कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, इसके नियम बताएगा। तो उसके आधार पर सम्मन बन गया। सम्मन रिसीव करने के बाद क्या होगा? सम्मन रिसीव करने के बाद न्यायालय आएगा, न्यायालय आकर WH दाखिल करेगा, यानी कि अपना लिखित जवाब दाखिल करेगा। और जब रिटन स्टेटमेंट दाखिल करेगा तो उसके नियम क्या होंगे? रिटन जवाब दाखिल किया तो क्वेश्चंस जो प्लेंट में उठाए उसके जवाब ही देने हैं या एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखने? एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेगा तो कैसे लिखेगा? उल्टा काउंटर क्लेम करना तो कैसे करेगा? सेट ऑफ करना तो कैसे करेगा? खारिज करवाना है तो क्या लिखेगा? वो प्लीडिंग के तरीके बताएगा। तो प्लेंट का अपना तरीका और डिफेंस का अपना तरीका, यानी कि WH का अपना तरीका बताएगा कौन? CPC बताएगी कि क्या लिखना, कब लिखना, कैसे लिखना, सुंदर लिखना, नहीं लिखना, वेरिफिकेशन कैसे होना है, एफिडेविट कैसे दाखिल होना है, उसके साथ क्या क्या चीजें चाहिए और क्या लिखना क्या नहीं लिखना। सबसे खास बात है प्लेंट और WH की, क्या लिखना क्या नहीं लिखना। अक्सर क्या है, अगर हम वकालत के पेशे में ना हो तो हम अपनी पूरी जीवनी उसमें लिखेंगे, ए से लेके जेड तक कहानियां करनी शुरू। आपके पास जब क्लाइंट आता होगा तो आपको एहसास हो जाता है कि वो बताना शुरू करता तो कानून कम बताता, अपनी मजबूरियां ज्यादा बताता, पड़ोसी के किस्से ज्यादा सुनाता है, और वो बताता है साहब ऐसा 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 पता नहीं क्या क्या, तो वो कागज एक दिखाता है और आधा घंटा अपनी बात। ये जो आधे घंटे अपनी बात बताने की बात है, वो हमने लिखना कि नहीं लिखना, उसको किसने किसने ले जाया सताया उसका हम क्या करें, कब कब ले जाया सताया क्या करें, हमने क्या लिखना, हमने कानून के पहलू, वो फैक्ट लिखने। अब फैक्ट के साथ कानून लिखना कि नहीं लिखना, ये CPC बताएगी कि कानून बताने की चीज है, लिखने की चीज नहीं है। इसलिए कानून बताना और फैक्ट जो क्लाइंट ने बताए वो फैक्ट लिखना। जब आपने फैक्ट लिखे तो वेरिफिकेशन उसका करवा लेना, तुमने कुछ नहीं लिखा, तुमने तो वो लिखा जो क्लाइंट ने बताया। क्लाइंट जब कह दे हाँ ठीक है, वेरीफाइड कर दे, मेरी जानकारी में बिल्कुल उचित सत्य नंबर एक है, तब उसको दाखिल करना। इसी प्रकार WS, तो प्लेन WS हो गई। प्लेन WS जब हो जाएगी, सम्मन शुम्मन हो गए, तो अब विटनेस भी आएंगे, तो विटनेस को सम्मन कैसे जाएगा, विटनेस को सम्मन करके क्या बुलाया, कैसे बुलाया जाएगा? अरे भाई विटनेस के डम्मन जाए सम्मन जाएंगे ना, तो विटनेस के सम्मन कैसे जाएंगे, उनको कैसे बुलाया जाएगा, कब कब बुलाया जाएगा, किस प्रकार उनका एग्जामिनेशन होगा, वो एविडेंस एक्ट बताएगा कि उनका एग्जामिनेशन कैसे होगा। डॉक्यूमेंट हैं, मुझे लगता है कि अपोजिट पार्टी के पास डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट कैसे निकलवाए जाएं, उसका डिस्कवरी इंस्पेक्शन कैसे हो, ये सब कहानियां ये बताएगा ना CPC। हम क्या जाने क्या कैसे होता है, और हम लोग अपने हिसाब से करेंगे बिना कानून के, तो एवं ही करते ही रहेंगे जैसे मोहल्ले में करते हैं, इनसे पूछ लो, उनसे पूछ लो, उन्हें बुला लो, इन्हें बुला लो, तो क्या करना, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से जाना। उसके लिए CPC की आवश्यकता पड़ेगी। अब विटनेस नहीं आ सकता तो क्या, तो कमीशन अपॉइंट करेगा, कमीशन जाकर विटनेस लेकर आएगा, उसके प्रावधान क्या क्या है, उसका खर्चा कौन देगा, कैसे देगा, कब देगा, इसके प्रावधान है नहीं। अब वो जब एविडेंस इकट्ठे हो गए तो एविडेंसों पर बहस कैसे हो, वो सब हम बताएंगे। WS में जो जो हमने लिखा था उसके अलावा एविडेंस हमारे पास है तो क्या होगा, एविडेंस कम दिए तो क्या होगा, एविडेंस नहीं दिए तो क्या हुआ, हाजिर हुए तो क्या होगा, हाजिर नहीं हुए तो क्या होगा, इन सब पर भी CPC बताएगी कि क्या प्रोविजन बनेगा, क्या प्रावधान बनेगा। न्यायालय ने गलत कर दिया, ज्यूरिडिक्शन नहीं लगता था, मुकदमा दाखिल कर लिया तो क्या होगा, और कहां कहां जाकर उसको हम सेट असाइड करवा सकते हैं, ये सारी चीजें CPC बताएगी। स्टैंप ड्यूटी कब कैसे कितनी लगेगी, स्टैंप एक्ट बताएगा, साथ साथ CPC भी बताएगी।
अब आई बात जजमेंट पर, जजमेंट करेगा तो कैसे करेगा, जजमेंट कितना करेगा, क्या लिखेगा क्या नहीं लिखेगा, वो डिग्री बनाएगा या जजमेंट करेगा, जजमेंट डिग्री कब बन जाएगा, और डिग्री बनेगी तो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी कितनी होगी, ये सीपीसी बताएगी नहीं। डिग्री बन गई, अब डिग्री का एग्जीक्यूशन, उसका निस्तारण कैसे हो, तो सीपीसी ये भी बताएगी कि उसका निस्तारण कैसे हो, उसका डिस्पोजल कैसे हो। डॉक्यूमेंट लाने हैं ले जाने हैं तो प्रोडक्शन कौन करेगा, कैसे करेगा, कब कर सकता कब नहीं कर सकता, ये सब हो गया तो फिर ऊपर के न्यायालय में कैसे जाना, निर्धारण हो गया मेरे अगेंस्ट में, एग्जीक्यूशन होने जा रहा, एग्जीक्यूशन की स्टेज पर कौन ऑब्जेक्शन लगा सकता है, कैसे लगा सकता है, कब लगा सकता है, किस प्रकार लगा सकता है, ये सब प्रश्न बनेंगे सीपीसी के नहीं। इनमें ऑर्डर और सेक्शन साथ साथ चलेंगे, सेक्शन में सब्सटेंटिव राइट ड्यूटी बताएगा, ऑर्डर्स में हाईकोर्ट या स्टेट के स्टेटस के हिसाब से चलेगा, कोई एक्सप्लेनेशन उसको सेक्शंस में नहीं मिलता तो एक्सप्लेनेशन ऑर्डर्स में मिल सकता है, रूल्स में मिल सकता है, वो सब लागू करवाएगा। किसको पर्सनल अपीयरेंस करवानी है, कौन एग्जेम्प्टेड है, कब एडजॉइनमेंट ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, तारीखें कैसे लोगे, न्यायालय कब तारीखें देगा कब नहीं देगा, न्यायालय क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये सब बातें सीपीसी बताएगी। अब सब जब बन गया, निर्धारण हो गया, तो फिर अपील लेकर जाओगे। अब अपील तो जजमेंट्स पर होगी, फाइनल जजमेंट पर होगी, फाइनल जजमेंट हुआ नहीं और बीच में ही गड़बड़ कर गए जज साहब और सुनते ही नहीं मैं जो कह रहा हूं, तो उस मामले पर रिवीजन कैसे जाएगा, पुनर्विचार कैसे जाएगा, पुनर्निर्धारण कैसे जाएगा, तो रिवीजन के क्या प्रावधान है सीपीसी बताएगा। रिव्यू अगर उसको ही न्यायालय को करवाना हो, न्यायालय कुछ गलती कर रहा हो, मिस्टेक धोखे से क्लरिकल मिस्टेक हो जाए, तो रिव्यू कैसे करवाओगे, ये सीपीसी बताएगा कि रिव्यू कब होगा, रिवीजन कब होगा, बीच के ऑर्डर्स जो हमें इफेक्ट डाल सकते हैं लेकिन अपील नहीं हो सकती तो हम रिवीजन में कैसे जाएंगे, कौन कौन सा कोर्ट कर सकता है, एक बार रिवीजन के बाद दोबारा क्या होगा नहीं। और अपील लेकर गए तो अपील जो लेकर गया तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, शुरुआत का स्टेटमेंट कैसा हो, उसके ग्राउंड्स कैसे हो, अपील की ड्राफ्टिंग कैसे हो, प्लीडिंग कैसे करी जाएगी अपील की, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। न्यायालय पहुंच गए, न्यायालय उसको कैसे एडमिट करेगा, न्यायालय उसको एडमिट करे तो क्यों करे, न्यायालय सामने वाले को संबंध इश्यू करे तो क्यों करे, न्यायालय अपील सुन लेता है तो एग्जीक्यूशन का क्या होगा, और एग्जीक्यूशन कर देता है तो अपील का क्या होगा, ये सब सवाल सीपीसी में फंसेंगे, इस प्रकार के बहुत ऐरे शगुफे आपको इसमें मिले रहेंगे। अपील के बाद पुनः अपील जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट कब आओगे कब नहीं आओगे, कब कर सकते कब नहीं कर सकते, अभी सीपीसी शांत है किसी मामले पर, बोलती नहीं कुछ, सीपीसी किसी मामले पर टोटल शांत है तो इनहेरेंट पावर किसके पास होगी, कोर्ट कौन सी है जिसके पास इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करोगे, वो सब आएगा। अब अगर अपील गई है तो मैं कैविएट कैसे दाखिल कर सकता हूं, मुझे भी अपीयर करने का मौका दिया जाए, क्योंकि जब अपील जाएगी तो अपील किसके खिलाफ जाएगी, न्यायालय के खिलाफ, न्यायालय ने गलत निर्णय दे दिया तो अपील तो जानी है न्यायालय के खिलाफ नहीं। और आप चले गए कहां, अपील लेकर गए, अब सामने वाली पार्टी कह रही साहब मुझे सुने बगैर करना नहीं, तो कैविएट दाखिल करनी पड़ेगी, तो कैविएट दाखिल करनी पड़ेगी, कैविएट दाखिल करेगा तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, खर्चा कौन उठाएगा, कैविएट लगी है तो क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी समस्याएं सामने एक एक करके होंगी। एक बार प्रोसीडिंग चल गई फिर हम कुछ अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, बीच में इंटरवेंशन करना चाहते हैं तो क्या होगा, पार्टी अगर उसकी पार्टी आती नहीं तो क्या होगा, हमने सम्मन किया करे पड़े आता ही नहीं तो क्या होगा, कैसे होगा, ये सब सवालों के समाधान सीपीसी करेगी। इसलिए ए से लेके जेड तक जितनी प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं वो सीपीसी उनका निर्धारण
करेगी। इसके बाद मिसलिनियस प्राविधान होंगे, ओथ लेगा कि नहीं लेगा, ओथ किसके सामने लेगा, ओथ कैसे लेगा, कसम खाकर झूठ बोल गया तो क्या करोगे, और बिना कसम खाए अगर आ गया तो क्या करोगे, ये समस्याएं हैं। नहीं आता, लेट आता, हम पहुंच गए सामने वाला नहीं आता तो कॉस्ट लगाएगा, मेरा खर्चा कौन देगा, हम दिन खराब करके आए 40 किलोमीटर दूर से, मेरा दिन चला गया, उनने कह दिया साहब दांत बाके आए नहीं, क्लाइंट साहब आया नहीं, तो क्लाइंट साहब नहीं आए, ये हम भी बैठे हैं और न्यायालय भी बैठा है और ये सब इकट्ठे हैं और साहब दूल्हा गायब, बरात इकट्ठी, तो उस दूल्हे का क्या होगा, घोड़ी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा अगली बार, या फिर न्यायालय उसको कटघरे में बुलाएगा, ये सब चीज़ें इस CPC से डिफाइन करेंगे, इस CPC से डिसाइड करेंगे, ठीक। ये अपने CPC की स्कीम है पूरी, कैसे चलना, कब चलना।